ये है विद्यावती देवी कॉलेज। बीएससी करना है, बीए करना है, बीकॉम करना है, खासकर लड़कियों के लिए मतलब यहाँ पर बहुत ही अच्छा सुविधा दी जाती है। अपने स्टडी के साथ साथ कुछ काम भी कर लूँ, कुछ जब आप चाहो तब पैसा दे सकते हो, एग्जाम टाइम पे भी पैसा दे सकते हो, उससे नीट करियर में मतलब लगाता है, उसके बाद से भी अगर उससे कुछ नहीं होता है तो घर वाले के थोड़ा सा। हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। गाइस, आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोग को कुछ ऐसे कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो कि कॉलेज बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मस्त है, क्योंकि बहुत देर के बाद से मुझे जानकारी मिला तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोग भी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, क्योंकि आप लोग अगर वीडियो को स्किप करते हो तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, क्योंकि मैं इस कॉलेज के बारे में पूरी छोटी छोटी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो शुरू से तक जरूर बने रहना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूँ। तो मैं भी एक स्टूडेंट लाइफ में हूँ और मुझे भी ये सभी चीजें फेस करना पड़ता है कि मैं किस किस फेज से मैं निकल रहा हूँ, किस किस फेज से गुजर रहा हूँ, ये मुझे पता है। और इसी बात को मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ताकि आप लोग भी आने वाले टाइम में आप लोग कोई गलत चूज ना कर लो, ताकि आप लोग आगे चल के दिक्कत हो। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस कॉलेज के बारे में पूरे डिटेल में बात करते हैं। और इस कॉलेज के बारे में मैं आप लोगों को ब्लॉग करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि इसी वीडियो में आप लोगों को ब्लॉगिंग भी दिखाऊंगा कि मैं वहां पर गया था और किस तरह का वहां पर कॉलेज है, वो भी आप लोग दिखाऊंगा, वो भी लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि मतलब वहां पर किस तरह का मतलब वहां पर कॉलेज है, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, तो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और वहां पर किस तरह से पढ़ाई होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहो। और भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दीजिएगा, उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या वहां पर होता है कि नहीं होता है, मैं आप लोग जानकारी देकर जरूर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और कॉलेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं अपना स्टडी के साथ साथ कुछ काम भी कर लूँ, कुछ एक्स्ट्रा काम कर लूँ, कुछ एक्स्ट्रा जॉब भी कर लूँ, कमाई भी मतलब जैसे कमाने भी चले जाऊँ कहीं बाहर, और मेरा जैसे कि पैसा की कमी की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ मतलब कुछ स्टूडेंट रहते हैं जो कि मतलब पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, कम पैसे होते हैं और वो चाहते हैं कि मैं अपना पढ़ाई भी करूँ और मैं अपना काम भी करूँ, मतलब कमाऊँगी, ठीक है। तो मैं ऐसे कॉलेज के बारे में आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, सबसे मस्ट जो कॉलेज बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लमसम मैं यहाँ पे मतलब 10% दोस्त मतलब वहीं पे मतलब एडमिशन लिए हुए हैं। कॉलेज के बारे में आज बात करने वाले हैं, तो आप लोग चलते हैं और आप लोग उसी कॉलेज के बारे में बताते हैं। तो गाइस, कौन कौन चाहता है कि मैं मतलब स्टडी के साथ साथ काम भी करूँ और मेरा स्टडी पर कोई प्रॉब्लम ही ना हो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आया हूँ और ऐसे ही स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूँ जो कि सोचते हैं कर नहीं पाते हैं, सोचते हैं उनके वैसे कॉलेज नहीं मिल पाते हैं। तो आज उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि वैसे स्टूडेंट के लिए जो कि जैसे मान लो कि अगर कोई जैसे मान लो कि कोई नीट का प्रिपेयर कर रहा है, लाइक सपोज इट, ठीक है, 4 साल 3 साल 2 साल अगर अपना नीट करियर में मतलब लगाता है, उसके बाद से भी अगर उसे कुछ नहीं होता है तो घर वाले के थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है वो स्टूडेंट के ऊपर, मतलब जैसे वो लड़के के ऊपर प्रेशर पड़ता है कि बताओ तुमने 3 साल बर्बाद कर दिया अपना और तुम कुछ नहीं कर पाए। तो मैं ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं आप लोग को बता दूं कि ऐसे कॉलेज लेकर आया हूं कि आप लोग को लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है, क्योंकि देखो अगर आपको कोई भी तैयारी करना है आप करो, लेकिन आप एक बैकअप लेकर चलो, क्योंकि आप लोग समझ आप अगर निकल गया तो सही है, नहीं निकला तो भाई बैकअप तो है ना आपके लिए, मतलब ग्रेजुएशन लेवल तो होना चाहिए ना कुछ तो फॉर्म भरने के लिए। तो ऐसे कॉलेज के लिए मैं आप लोग लेकर आया हूँ, ऐसे कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन एक लेकर आया हूँ, उस कॉलेज के बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे, तो आज मैं उसी कॉलेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं और उस कॉलेज के बारे में डिस्कस करते हैं, उस कौन सा कॉलेज है। आप लोग थंबनेल देखो तो पता चले गया होगा कि कौन से कॉलेज के बारे में बात करने वाले और वो कहाँ पर है, वो आप लोग को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, उस कॉलेज के बारे में बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोग को, क्योंकि आप लोग दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि ऐसे बहुत से दोस्त होते हैं जिनको पता नहीं होता है कौन से कॉलेज में एडमिशन ले, ताकि मेरे लिए बहुत ही बेनिफिट हो और बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो गाइस देखो, मैं बात कर रहा हूँ विद्यावती देवी महाविद्यालय तमकुहीराज उपी में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो कॉलेज है बहुत ही अच्छा कॉलेज है और ये गवर्नमेंट कॉलेज है उपी का, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मान लो कि आपको कोई भी कोर्स होता है तो आपको एकदम टाइम टू टाइम होता है, जैसे बिहार गवर्नमेंट में थोड़ा सा डिले हो जाता है, जैसे कि एग्जाम टाइम पे नहीं होगा, मतलब जैसे आपका जो कोर्स होता है वो टाइम से पूरा नहीं हो पाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिसके चलते मतलब जितने बिहार के बच्चे होते हैं वो मतलब चले जाते हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं एडमिशन लेने के लिए। तो उन्हीं के लिए ये सबसे बेस्ट कॉलेज है और मैं उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि देखो मतलब बिहार में तो मतलब जैसे सोचते हैं कि हम 3 साल में अगर कोर्स कंप्लीट कर लें तो इम्पॉसिबल है, अभी की डेट में भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी इस पर मतलब काम चल रहा है, अभी सुधार हो रहा है,
तो अभी होने में बहुत टाइम लगेगा, तो उनके लिए भी मैं बता दूँ, आप लोग चाहते हो कि आपको सबसे अच्छा कॉलेज मिले तो मतलब यूपी में, तो आपको ये सबसे बेस्ट कॉलेज है और बहुत ही अच्छा कॉलेज है। क्योंकि मैंने यहाँ पर मतलब वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं उनसे भी बात किया, मतलब कुछ पैसे जैसे ऐसे होता है ना आउट एरिया लगता है, तो इसमें वो ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है, जैसे कि दलाल होते हैं ये सब चीज़ें होता है, ये इसमें कुछ नहीं। देखो दोस्तों, अगर आप लोगों को इसमें एडमिशन लेना है तो पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है, आपको 10th 12th का जो मार्कशीट होता है उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको तुरंत एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। देखो, अगर आपको यहाँ पर जैसे मान लो कि आपको बीएससी करना है बीए करना है बीकॉम करना है, तो ये कोर्स के लिए बहुत ही बेस्ट कॉलेज है और ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसमें अगर देखो, अगर आप रेगुलर से लेते हो इसमें एडमिशन, तो आपको पैसा भी मिलता है आने वाले समय में, इसका मतलब पैसा भी मिलता है जो लड़कियों, खासकर लड़कियों के लिए मतलब यहाँ पर बहुत ही अच्छा सुविधा दी जाती है। देखो, अगर आप रेगुलर में लिए हो तो आपको मतलब यहाँ पर छात्रवृत्ति के जैसे पोशाक वोशाक होता है ना, तो ये आपको मिलता है कोई भी स्टेट से हो अगर आप रेगुलर में लेते हो और जाके वहाँ पर हाजिरी बनवा लेते हो तो आप लोग को पैसा भी मिलता है वहाँ पर, ठीक है। तो पैसा की मुझे नहीं मालूम है कितना मिलता है, बट लेकिन मिलता है पैसा, ठीक है। तो गाइस, आप लोग को एक और चीज़ बता दूँ कि देखो गाइस, अगर आपको यहाँ पर जैसे अगर आप लोगों के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पर मतलब जैसे बीए का फीस कितना है, मान लो कि सब कुछ तो बता दिया, फीस तो मालूम है नहीं आप लोगों को, मैं आप लोगों को फीस बता दूँ कि देखो बीए में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको बीए में पूरा 3 साल का मतलब फीस है 33,000 रुपया, ठीक है। तो 33,000 रुपया कुछ ज़्यादा नहीं है 3 साल का। अगर आप चाहते हो कि मैं 2-2 महीना पर या 3-3 महीना पर या 6 महीना पर मतलब मैं फीस भरूं, तो भी भर सकते हो। इसमें कोई आपको फोर्स नहीं किया जाता है कि आपको एक ही बार आपको पैसा देना है 1 साल का, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आपको सेमेस्टर वाइज भी पैसा दे सकते हो, 6 मंथ पर दे सकते हो, 6 मंथ में दो मतलब बीट करके दे सकते हो, 3 बीट करके दे सकते हो, आपके मर्जी, जब आप चाहो तब पैसा दे सकते हो, एग्जाम टाइम पर भी पैसा दे सकते हो, उससे कोई मतलब इससे कोई रिलेटेड नहीं है। जैसे मान लो कि अगर आपको एडमिशन के टाइम पर आपके पास कुछ ही पैसा है, 2,000 है, 500 है या 1,000 रुपया है, उसमें भी जाकर आप एडमिशन ले सकते हो। इसमें एडमिशन चार्ज पैसा नहीं लगता, 1 रुपया एडमिशन चार्ज नहीं लगता, आपको पूरा टोटल जो पैसा लगता है वो आपका फीस में लगता है, ठीक है, वो फीस से आपका रिलेटेड होता है, ठीक है। तो आप लोग ये भी आप लोग तो क्लियर हो गया होगा, ओके। तो अब आप लोग बात करते हैं कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट लमसम हम बता दें बिहार के केवल वहाँ पे स्टूडेंट हैं 70% पढ़ते हैं, 30% जो बिहार में रहते हैं जो कि एडमिशन पहले से ले लिए हैं वो फंस गए हैं, उनका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, वो अब ऐसे ही रेंग रहे हैं, बस यही हो रहा है। और जो जैसे कि मान लो कि अभी जो 2021 का जो बच्चे पास आउट हुए हैं, जो हम लोग के साथ में पास आउट हुए थे, ठीक है, और वो लोग भी वहाँ पे जाके एडमिशन ले लिए हैं ऊपर में, वो भी महाविद्यालय विद्यावती देवी महाविद्यालय में, तो उनका भी अभी मतलब लग रहा है हमको लास्ट ईयर जो चल रहा है, लास्ट ईयर ही चल रहा है अभी मेरा, तो अभी 2023 चल रहा है ना, अभी फिलहाल में 2023 चल रहा है, तो उन लोग का लास्ट ईयर चल रहा है। तो ये बात है, तो आप लोग समझ सकते हो, आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ, आप लोग चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ का नज़ारे, तो चलते हैं। तो गाइस, मैं फाइनली चला आया कॉलेज, और कॉलेज आकर के आप लोगों को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर देख सकते हो कॉलेज के मेरे मतलब जो मेरे पीछे देख सकते हो कॉलेज है, और इसका जो छोटे छोटे रूम नहीं है, इसका बहुत बड़े बड़े रूम है, और इतने ही में बहुत मतलब बहुत सारे रूम है इसमें, और ये छोटा मोटा नहीं है मतलब, ठीक है, ये बहुत बड़ा कॉलेज है, और अभी मतलब बनना अभी स्टार्ट हुआ और भी बन रहा है, ये पुराने स्टेट देख सकते हो, ये मैं आप लोगों को फ्रंट से दिखा रहा हूँ, ये आप लोग देख सकते हो नज़ारे, जूम आउट भी कर रहा हूँ, तो ये देख सकते हो ये मतलब कितने ताले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 ताले हैं, जो कि 5 ताले इधर भी है, 5 ताले इधर भी है, आप जो मतलब समझ सकते हो कितना बड़ा कॉलेज है यार। क्योंकि देखो, इसमें आपको बहुत से बच्चे यहाँ पर पढ़ने थोड़े आते हैं, यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद से अपना जो भी काम करना होता है अपना काम करते हैं, फिर एक ही टाइम आते हैं, एक ही बार वो आते हैं एग्ज़ाम टाइम पे, एग्ज़ाम देकर फिर चले जाते हैं, बस उनका यही तो काम होता है। और मैं आप लोग को चलता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो ये जो हाईवे का जो रोड है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि आप लोग के लिए मैं ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और तो गाइस, आप लोग को मैं बता दूँ कि मेरा जो नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है दीपावली पे, तो एक्साइटेड रहना, और मैं दीपावली मेरे घर पे कैसे मनता है वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, A to Z दिखाऊंगा, देखना किस तरह से मनाया जाता है मेरे घर पे दीपावली, तो आप लोग जरूर दिखाऊंगा ब्लॉग में, इसी चैनल पे दिखाऊंगा। तो कैसा रहा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, अगर कुछ आप लोग को डाउट्स है मन में तो कमेंट कर देना, मैं आप लोग को रिप्लाई जरूर दे दूंगा, ओके। हैप्पी दीपावली इन एडवांस।